अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं होम रेमेडी लेकर आई हूँ आपके लिए, बिल्कुल उसमें दो चीज़ें डलेंगी और वो ग्लोइंग स्किन के लिए, और जो कि बरसों से चली आ रही है और बहुत ज़्यादा फेमस है। और अब आपको मैं बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं करती और मैं बताती हूँ कि मैं उसमें क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। एक सबसे पहले मैं पहले एक बाउल लूँगी, एक मुल्तानी मिट्टी वाला मास्क है, ठीक है, बाउल आप भी देख सकते हैं। खाली एक बाउल लूँगी और इसमें मैं 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी ऐड करूँगी, ये आप देख सकते हैं। 1 से मैंने थोड़ा कम ही लिया है, ये मुल्तानी मिट्टी मैं इसमें ऐड करूँगी। और साथ में मैं इसमें एलोवेरा जेल लूँगी, ये वाली मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, और ये भी मैं 1 टीस्पून लूँगी इसमें। एलोवेरा जेल का तो आप लोगों को पता ही है कि एलोवेरा जेल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इसकी बेनिफिट्स भी बहुत हैं स्किन पर। आपके एक्ने ख़त्म करती है, ब्लेमिशेस दूर करती है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है और आपकी स्किन को यंग और ग्लोइंग बनाती है। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है, एज ए प्राइमर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और ये बहुत अच्छी है। अगर आप डेली बेसिस पे लगाएंगे तो ये ग्लोइंग स्किन आपको प्रोवाइड करेगी, फ्लॉलेस स्किन आपको प्रोवाइड करेगी। अब मैं इसमें क्या दे रही हूँ कि अब इसमें मैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें मैं 1 भी नहीं, हाफ हाफ बहुत रहेगी, क्योंकि मैं फेस के लिए बना रही हूँ, इस वजह से हाफ बहुत है। अब मैं आपको बताती हूँ, इस वाली इस कटोरी में मैं ये ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून, ठीक हो गया। और अब इसको मैंने मिक्स करके अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें चाहे तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, आप कितनी मर्जी है, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जब आप मिक्स कर लेंगे तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसे इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी, ये देखें आप देख सकते हैं मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए, कोई एडिटेड मूवी नहीं है। मैं जो भी दिखाती हूँ वो आप लोगों के सामने करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को यकीन हो कि मैं झूठ पे वीडियोस नहीं बनाती हूँ, और जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको सामने दिखाती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी और एलोवेरा जेल आप अपने हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाफ की जगह फुल भी यूज़ कर सकते हैं आप, और उसको आपने पेस्ट फॉर्म में बनाना है, चाहे तो आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, आप विनीगर भी ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आपको इसकी फेस दिखाती हूँ कि इसका जो है वो पेस्ट कैसा बना, ये देखें ठीक हो गया, ये ऐसा पेस्ट। अब ये पेस्ट मैं अपने फेस पे, पूरे फेस पे लगाऊंगी 15 मिनट्स के लिए। चाहे तो आप ब्रश इस्तेमाल कर लें, मैं अपनी फिंगर से ही लगाऊंगी सारा पूरे फेस पर इसको। अपर अगर आप उसमें पोजीशन में लगाएंगे तो ये आपको एक और अच्छा एक आपका रिजल्ट देगा, और दूसरा ये कि जो आपकी स्किन है वो अपलिफ्ट होगी, ढलकेगी नहीं। अच्छे तरीके से हर जगह लगा लेना है आपने, ठीक है, नोज के साइड पर, अपने फोरहेड पे भी लगाया आपने, मतलब जो भी आप जहां पे भी आप चाहते हैं कि आप स्किन जो है वो ग्लो करें वहाँ पे आप ये लगाएंगे, ठीक है। मैं अपने नेक पे भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं जो भी फेस मास्क यूज़ करती हूँ वो मैं अपने नेक पे भी इस्तेमाल करती हूँ। उसकी वजह ये कि जो अपने फेस पे जिसका रिजल्ट आएगा तो आपकी नेक पे भी आएगा। कुछ लोग होते हैं सिर्फ फेस पे अप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है उनकी जो नेक होती है उसका कलर और होता है, और फेस का कलर ब्राइट होता है, नेक का डार्क होता है। जब आपने इस्तेमाल करनी है तो अपने पूरी नेक और पूरे फेस पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आप ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके अपने ऊपर आप ब्रश इस्तेमाल करें तो ब्रश इस्तेमाल कर लें,
अगर आप जो है इसको जो है वो डायरेक्ट फिंगर से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिंगर से अप्लाई कर दें। मेन मकसद आपका जो होना ये चाहिए कि मास्क लगाना है आपने। मैं फिल करके अब मैं आपको इसको इसका जो रिजल्ट है वो 15 मिनट्स बाद वॉश करके दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट क्या आया है। वेलकम बैक। अब 15 मिनट हो गए हैं। अब 15 मिनट बाद क्योंकि मेरा ये मास्क जो है वो गिरने लग गया उल्टा, तो अब ये है कि जब ये अभी गिरने लग गया मैं क्या करूँगी कि अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ, इसको स्क्रब करके अच्छे से आपने स्क्रब करना है, स्क्रब करके उसके बाद आपने फेस वॉश करना है, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ आपको। अब मैंने 15 मिनट्स बाद अपना फेस वॉश कर लिया है। आप ये देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना फ्रेश और ग्लोइंग लग रहा है। और अब ये क्या आप खुद भी ये वाली टिप को अप्लाई करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका रिजल्ट आपके ऊपर कैसा रहा। ये ग्लोइंग और फेयर स्किन के लिए है। काइंडली जो है सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, कमेंट करिएगा और अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके ऊपर इस वाली रेमेडी का क्या इफेक्ट हुआ। हालांकि ये बहुत आसान रेमेडी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली जो है वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा अपने व्यूज़ से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।